कमल टीवी के सीरियल नथ जेवरिया जंजीर में पद्मा का किरदार निभाने वाली अंजना सिंह यूपी की रहने वाली है और इस पावन पर्व को वो पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करती है। लेकिन आज वो सेट पर शूटिंग में बिजी है, इसीलिए सेट पर ही वो कर रही है त्योहार का साज श्रृंगार और अपने दर्शकों को बता रही है कि छठ पूजा के मौके पर कैसे सजे धजे। साथ ही गुनगुना रही है छठी मैया का गीत भी। छठी माई के करब बरतिया भोरा हरी में चार बजे। जब कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम लोग अलग अलग गेटअप्स लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लुक लेते हैं, और इस वक्त सबसे बड़े महापर्व की बात हो रही है, मैं बात कर रही हूँ छठ की, तो आप लोगों को मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी, मैं छठ में क्या लुक लेने वाली हूँ चलिए देखते हैं आगे, फटाफट मैं चेंज करके आती हूँ। छठ पूजा का त्योहार सुहागनों के लिए बेहद खास होता है और इसके लिए वो करती है 16 श्रृंगार। तो चलिए देखते हैं अंजना सिंह कैसे हो रही हैं छठ पूजा के लिए तैयार। जैसे कि लोक आस्था का महापर्व छठ है, जिसके लिए मैं आज गेटअप ले रही हूँ, तो आप लोगों ने देखा कि मेरा मेकअप हो चुका है और अब मैंने जो साड़ी पहनी हुई है उस पर इससे मैचिंग मैं ज्वेलरीज पहनूंगी, रेडी होंगी। लेकिन मेकअप में भी अभी एक चीज़ है जो मिसिंग है, वो है सिंदूर और बिंदी। तो लोक आस्था के महापर्व में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अभी सिंदूर लगाया है, इसका बहुत मान है। जितनी भी छठवर्ती स्त्रियां होती हैं जो इस महापर्व का व्रत रखती हैं, आप देखेंगे घाट पे सभी के माथे पे इस तरीके का सिंदूर आपको शोभित दिखेगा और इतना प्यारा नज़ारा लगता है छठ घाट पे जब जाएंगे। मैं स्पेशली यूपी बिहार की बात कर रही हूँ, एक अलग ही अलौकिक दृश्य आपको दिखता है। और मैंने तो अभी ये सिंदूर लगाया है, आज मैं छठ का लुक ले रही हूँ। हमारी जितनी भी यूपी बिहार की माताएं बहनें हैं जो इस महापर्व को मनाती हैं, तो मैं मेरी अभी ज्वेलरीज वगैरह कुछ इसमें बैलेंस है तो मैं इसमें और एड ऑन करती हूँ, क्योंकि खाली खाली बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और सुहागन औरतें इसे व्रत रखती हैं, जो नई बहुएँ आती हैं उनकी कोसी भरी जाती है, उनके घर की जो जैसे जिठानी हुई या सास हुई उनकी कोसी भरती हैं। तो मैं एक नई बहू के जैसे ही रेडी हो रही हूँ छठ के लिए, तो आइए मैं फटाफट अपनी ज्वेलरीज पहनती हूँ। तो मैंने अभी पहना है मेरी पर्पल एंड पिंक साड़ी पे पिंक मैचिंग इसके पर्ल्स हैं, ये चोकर पहना है मैंने, और मैं इस लुक को एक पतले से छोटे से मतलब ये मंगलसूत्र से, और छठ के लिए तैयार हो रहे हैं। और छठ का गीत ना हो तो फिर बहुत सुना सुना लगता है। तो मैं मतलब अंजना सिंह को सभी लोगों के लिए, छठवर्तियों के लिए जो हमारा पारंपरिक गीत है, मैं वो गाते गाते तैयार होना चाहती हूँ। काच ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बाट जे पूछला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी छठी माई के जाए, लचकत जाए, कि तू त आन्हर हवे रे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए, छठी माई के करब बरतिया भोरा हरी में चार बजे, छठी माई के करब बरतिया भोरा हरी में चार बजे, किसैया लेके चली है माई के बहंगिया भोरा हरी में चार बजे, कि देवरू लेके चली है माथ पे बहंगिया भोरा हरी में चार बजे, छठी माई के करब बरतिया भोरा हरी में चार बजे।
तो मैं छठ पर्व के लिए तैयार हो चुकी हूँ। ये है मेरा छठ का लुक, आप लोग देख रहे हैं। और कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अंजना ने छठ पूजा के त्योहार पर न सिर्फ 16 श्रृंगार किए, भोजपुरी में छठी मैया के लिए गाना गाया, बल्कि उन्होंने छठ पूजा से रिलेटेड अपनी मेमोरीज भी शेयर की। ये इतना बड़ा पर्व है कि लोग होली दिवाली में अपने घर नहीं जाते, बट छठ के लिए सब छुट्टियां लेते हैं और अपने अपने घर वापस जाते हैं छठ पर्व मनाने के लिए। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि छठी मैया का आशीर्वाद आप सब पे हमेशा ही ऐसा बना रहे। जय छठी मैया।